सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड भाई फाइनली ये वीडियो जो है वो बन चुकी है। इसमें आपके मुश्किल से ही इस वीडियो देखने के बाद कोई आपके डाउट्स बचेंगे बोनस चैलेंज के ऊपर से, ठीक है। तो जितने भी मतलब कि मैंने टोटली कमेंट्स पढ़े हैं 4.1K, यानी कि 4100 कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई 4000 तो तेरी वीडियो पे व्यूज भी नहीं आते, तो तूने कमेंट कैसे पढ़ लिए इतने ज़्यादा। तो भाई मेरी जो रिसेंटली वीडियोज़ हैं उस पर जितने भी कमेंट्स आए हुए, मतलब कि 3-4 वीडियोज़ पे टोटल मिला के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, एंड तब जाके ये वीडियो बनाई है। क्योंकि मैं ये चाहता था कि अब आगे से मैं बोनस चैलेंज के ऊपर वीडियो ना डालूं, मतलब कि अगर बोनस चैलेंज आता है तब मैं अपडेट वीडियो डाल दूंगा, लेकिन रीडियम सी हाउ टू गेट बोनस चैलेंज इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है बोनस चैलेंज के उससे। अब जहाँ तक मैं गेम प्ले वगैरह डाले करूँगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। किस बात की देरी है, करो यार सब्सक्राइब, एंड ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लो, जिससे कि मैं कोई न्यू अपडेट दूं आपको वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू गेट बोनस चैलेंज, यानी कि बोनस चैलेंज आप अपनी आईडी में कैसे लाएं। अगर आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा, वहां पर लिख आ रहा है अनअवेलेबल, तो एक्टिवेट आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं मेन स्क्रीन पर मोबाइल की, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा VPN। ये तीनों VPN, सेफर VPN, स्पीडीफाई एंड पांडा VPN, तीनों में जो कंट्री रीजन होता है इसराइल या फिर और ज़्यादा कंट्रीज, सब में अवेलेबल है, सब फ्री ऐप है। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सेफर VPN, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, इसराइल जो लिखा हुआ है वहाँ पर आपको जाके कंट्री चूज़ कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे इसराइल पर लिखा है, यहाँ पर आप कंट्री जब चूज़ करोगे तो आ जाएगा आपका, सर्च करोगे तो इसराइल आ जाएगा, तो इसराइल ही कर लेना। इसराइल करने के बाद आपको कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट करने के बाद आपको गेम में आ जाना है। तो हम आ जाते हैं फटाफट से गेम में, एंड आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है जिस आईडी पे आपको बोनस चैलेंज जो है कि है लाना। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन 4 कंट्रीज़ में अगर आपका पहले से ही जो कंट्री रीज़न है वो चेंज है, यानी कि इन 4 कंट्रीज़ में से कोई से भी आपका रीज़न है, तब आपको चेंज नहीं करना। अगर कोई और कंट्री रीज़न है तब आपको चेंज करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने बोनस चैलेंज पे, यानी कि मैचेस पे। तो कहाँ गया हमारा, एंड जरा मैचेस, एंड यहाँ आ चुके हैं हम ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप। एंड यहाँ देखोगे अनअवेलेबल है, बिकॉज यार जो कंट्री रीज़न है ना मेरा वो है चेंज, यानी कि कोई और है, इंडिया है, तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है बोनस चैलेंज। बोनस चैलेंज सिर्फ 4 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जॉर्डन, लीबिया, इजिप्ट एंड इसराइल, और हाँ UAE में भी अवेलेबल है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका ये लिखा है ना कंट्री रीजन इंडिया, मतलब कि अगर आपका कोई और लिखा है उस पर चेंज पे क्लिक करना है। चेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है सिलेक्ट रीजन, अगर यहाँ पर इसराइल लिखा हुआ है तभी आपको ओके दबाना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा इसराइल लिखा हुआ है, एंड मैं ओके दबा देता हूँ, ये हो चुका है चेंज। अब आपको फिर से लॉगिन कर लेना है उसी आईडी में, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। एंड VPN आपको कनेक्ट करना डिसकनेक्ट करना ये आपके ऊपर है, वैसे बैन नहीं लगता, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इसके भी कमेंट्स आए थे, मैंने इस वजह से ये टॉपिक रखा है कि आपका बैन नहीं लगता, आप VPN लगा के खेल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं चल के हमारा कि बोनस चैलेंज जो है आया है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हो अब हो चुका है एक्टिवेट, पहले अनअवेलेबल था, अब हो चुका है एक्टिवेट, एंड कंट्री रीज़न हो चुका है हमारा इसराइल। अब मैं दोबारा से 60 डेज़ के बाद जो है दोबारा चेंज कर सकता हूँ कंट्री रीज़न। तो फिर से देख लो मैचेस में चल के, एंड यहाँ देख सकते हो मेरा जो बोनस चैलेंज है वो अवेलेबल भी है, एंड मैं खेल भी सकता हूँ। ओके, तो इसकी टाइमिंग होती है ये शाम को इंडियन टाइम जोन के सबके शाम को आता है 5:30 बजे से इंडियन टाइम जोन के हिसाब से। तो आप उसको देख सकते हो अपने कंट्री में कौन सा टाइम जोन रहता है, हमारे इंडिया में 5:30 शाम के जब बजते हैं तब आता है। अब बारी है कि आप रीडेम यूसी कैसे कर सकते हो बोनस चैलेंज से। तो उसके लिए भी आपको सेम VPN वही यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको पता अभी तक तो मैंने जो VPN है वो अनकनेक्ट कराई नहीं, ऊपर से देख लो अभी तक इसराइल से कनेक्ट है VPN। तो सिंपल है, आपको सिंपल रिडेम रिवॉर्ड पे क्लिक करना है, रिडेम रिवॉर्ड पे करने के बाद आपको जो फ़ोन की रोटेशन है उसे घुमा लेना है, एंड यहाँ देखोगे कि आप 100 UC, 300 UC एंड 600 UC भी परचेस कर सकते हो, पॉइंट से रिडीम कर सकते हो। या मैं 100 UC कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास थे 1500 पॉइंट, मेरे कट गए 1000 पॉइंट्स, अब मेरे पास बचे हैं 500 पॉइंट्स, यानी कि 100 UC मेरी जो है वो आ चुकी है इस अकाउंट में। एंड देखते हैं 100 UC हमारी आती है मेल बॉक्स में, एंड देख लो मेल बॉक्स में हमारी आ चुकी है। तो रिडीम यूसी भी आप ऐसे कर सकते हो, रिडीम यूसी, हाउ टू गेट बोनस चैलेंज, इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने आपको समझा दिया। रिडीम यूसी करने के लिए आपको VPN यूज़ करना पड़ता है, VPN कोई सा भी यूज़ कर लो, लेकिन उसमें इंडिया का कंट्री रीजन नहीं होना चाहिए, कोई और कंट्री रीजन लगाओगे तभी जाके आप रिडीम यूसी कर पाओगे।
अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक कौन सा था हमारा कि आप टीडीएम कैसे खेल सकते हो, यानी कि नॉट इन द रीज़न एक प्रॉब्लम आती है आपको खेलने में, वो प्रॉब्लम क्या है कि आप कैसे उसे सही कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर पहले तो मैं जो वीपीएन कनेक्ट है बैकग्राउंड में उसको कर लेता हूँ, मतलब कि रिफ़्रेश कर लेता हूँ, उसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको बूस्ट, यानी कि बूस्ट करते हैं तो जो रिसेंट ऐप चल रही होती है वो आपकी कट जाती है। तो यहाँ देखो फ्री अप हो चुकी है एंड वीपीएन अनकनेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं हमारा कैसे सीन होता है इसमें। तो लोडिंग हो रही है, अभी थोड़ी लोडिंग हो जाती है बहुत बार। तो हो चुका है सक्सेसफुली ये लोडिंग। अब चलते हैं मैच इसमें एंड जाते हैं बोनस चैलेंज में टीडीएम खेलने के लिए। ठीक है, तो अगर आप जाके, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैप है ना उसको कर लेना है टीडीएम वेयर हाउस। यहाँ पर पहले मैं एक पॉइंट जो है वो परचेस कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स नहीं है, तो कर लिया यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, जो मैप लिखा है ऊपर उसे कर लेना है ऑल से हटा के टीडीएम वेयर हाउस। ठीक है, ये कर लिया। रैंक कर लेनी है ऑल, और कर लो एंड जो ज्वाइन है ना उसको कर लो स्क्वाड। स्क्वाड करने के बाद ये आ चुका है आपका टीडीएम। टीडीएम सबसे कम वाला पॉइंट होता है 1, यानी कि 10 यूसी, उसके बाद 20 यूसी एंड उसके बाद 30 यूसी। 10 वाला खेलते हो, अगर आप जीतते हो मतलब विन करते हो टीडीएम, तो आपको मिलती है 2 यूसी एक्स्ट्रा। एंड अगर 2 वाले यूज़ करते हो तो 4 यूसी, एंड 3 वाला यूज़ कर सकते हो तो 6 यूसी मिलती है आपको एक्स्ट्रा। किल के अलग पॉइंट से पहले पे मिलती है आपको 0.9 यूसी, उसके बाद मिलती है 0.6 यूसी एंड उसके बाद मिलती है 0.3 यूसी, यानी कि 10 किल पे 3 यूसी। 0.3 का मतलब होता है 10 किल पे 3 यूसी, समझ जाओ। ठीक है, अगर आप, मैं अभी रजिस्टर करूँगा तो मेरा लिखा हुआ क्या आ रहा है, नॉट इन द रीज़न, यानी कि अभी मेरा वीपीएन कनेक्ट नहीं है। ये सीन ये रहता है कि ये जो बोनस चैलेंज है ना वो यूरोप सर्वर का है, यानी कि सिर्फ जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वही खेल सकता है। तो सिंपल वही सेम चीज़ है, आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन कर लेना है, साइन अप कर लेना, फ्री में हो जाता है। एंड उसके बाद इसराइल सर्वर कनेक्ट कर लेना है। जो कौन सा कंट्रीज़न आपने चूज़ कर रखा है बोनस चैलेंज लाने के लिए, वही कंट्रीज़न आपको इसमें कनेक्ट करना पड़ता है। हो चुका है हमारा कनेक्ट एंड अब दोबारा से देखते हैं हमारा जो टीडीएम है वो चलता है या नहीं। तो यहाँ पर आ चुके हैं मैचेस में एंड बोनस चैलेंज में आ चुके हैं। एंड यहाँ पर हम रजिस्टर कर लेते हैं 1 पॉइंट वाला, ये लोडिंग हो रही है फिर से। एंड यहाँ पर हमने रजिस्टर करा तो ये रजिस्टर हो चुका है वेयर हाउस वाला। अगर हम फाइंड ए मैच पे क्लिक कर देंगे तो हम चले जाएंगे टीडीएम पे, लेकिन मैंने यहाँ पर काट दिया। काटने के बाद आपकी जो यूसी है वो वापस आ जाती है, यानी कि जो कॉइन है वो वापस आ जाता है। एंड अब चालू कर देता हूँ मैं एक मैच फाइंड ए मैच, तो हो चुका है। एंड ये मुश्किल से 10-15 सेकंड लेता है, उसके बाद मैच जो है वो चालू कर देता है। तो हो चुका है ये चालू हमारा सक्सेसफुली एंड लेट्स सी। तो वीपीएन हमारा जो है वो कनेक्ट है। एंड अगर आप ये भी कर सकते हो कि आप जब मैच के अंदर आ जाओ, पिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है वीपीएन से, तो आप मैच के अंदर आ जाओ एंड उसके बाद जो है वीपीएन को डिसकनेक्ट कर दो। ठीक है, अगर आपका वीपीएन के बिना गेम नहीं चलता तो आपका लिखा हुआ आएगा वही सर्वर रेस्ट्रिक्ट एरिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर देखो मैं फिर से इसे जो डिसकनेक्ट कर देता हूँ एंड, क्योंकि मैं मैच के अंदर आ गया। तो यहाँ पर आपकी पिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये जो गेम प्ले होता है ना, मतलब कि जो आप बोनस चैलेंज खेलते हो वो होता है यूरोप सर्वर का। तो यूरोप सर्वर में आपकी जितनी पिंग आती है उतनी पिंग बोनस चैलेंज के अंदर भी आएगी, यानी कि यहाँ देख सकते हो लेफ्ट में मेरी कुछ 100 कुछ आ रही है पिंग, 200 भी हो जाती है, इतनी कुछ आती है। लेकिन यहाँ पर आपको किल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सामने बंदे होते हैं भाई उन पर अच्छा डिवाइस होता है एंड वगैरह वगैरह। तो देख सकते हो यहाँ पर ख़त्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। तो यार मैच को हम कर लेते हैं फटाफट से फिनिश। यहाँ पर जो मेरे टीममेट्स हैं उन्होंने जितवा दिया मेरे को मेरी 7 किल। एंड पॉइंट्स देखोगे अब मिलते हैं हमें कितने, एंड कितने पॉइंट्स मिले हैं हमें देख लेते हैं एक बार, रुको 2 मिनट। तो पॉइंट्स मिले हैं हमें 141, 141 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि 14 यूसी। 10 यूसी लगाने पर सिर्फ हमने कमाई 4 यूसी, वो भी जीतने पर। तो मेरे को टीडीएम में बस मज़ा आता है खेलने में, लेकिन जो यूसी है वो आप ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक्स जो है वो क्लियर कर दिए है। एंड आपका ये भी सीन रहता है कि अगर आप कंट्री रीजन चेंज करते हो तो आपके जो कोइंस वगैरह है उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई सी भी बोनस चैलेंज में खेल सकते हो, कभी भी आप चेंज करो कभी भी बोनस चैलेंज जाता है, यानी कि अगर आप 1 साल बाद भी कंट्री रीजन चेंज करोगे ना तब भी आपके कोइंस वहाँ पर सुरक्षित पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती उनमें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ यार गाइस, बहुत तेज़ हो रहे हो आप लोग मेरे को, मतलब कि इंस्टाग्राम पे मैसेज तो कर रहे हो लेकिन फॉलो के बिना कर रहे हो यार, मतलब कि क्या हो जाएगा अगर आप मेरे को फॉलो कर लोगे। तो किस बात की देरी है, फटाफट से फॉलो भी कर लो। ठीक है, बाय बाय।